बागेश्वर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गरुड़ निवासी एक व्यक्ति जंगली सुअर के हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गया। दरअसल पूरा मामला गरुड़ के छटिया गांव का है, जहां पूरन प्रसाद घर से घोड़े के साथ नदी की ओर जा रहे थे। इस दौरान झाड़ी से निकले जंगली सुअर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। वहीं पूरन के चिल्लाने पर सुअर उसे छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। इस दौरान पूरन के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने उन्हें नजदीकी मेडिकल स्टोर डंगोली पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। बता दें कि हमले में पूरन के हाथ और पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वहीं अब लोगों ने वन विभाग से पीड़ित की मदद करने की मांग की है। दरअसल गरुड़ क्षेत्र में जंगली सुअरों का काफी आतंक है। आए दिन क्षेत्र में सुअर कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, जिसके चलते सरकार ने जंगली सुअरों को हिंसक जानवर घोषित करते हुए मारने का नियम बनाया है। वहीं सुअर को मारने के लिए लाइसेंसी बंदूकधारी का होना जरूरी है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इस नियम का फायदा नहीं उठा पाते। पहले तो घोड़े चुकाने जा रहा था, इतने में जो शैली के लिए रास्ता जाता है उसमें उसकी मेरी एकदम आमने सामने भिड़ंत हो गई। अचानक अटैक कर उसको ऊपर से भगाए थे लोग, उसमें उसकी मेरी आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद उसने मेरे तो एकदम जैसा कि चिल्लाते हुए वो भू करके मेरे सामने आया, तो हम दोनों झाड़ी में गिर गए। तो वहाँ पर हमारी दोनों की भिड़ंत हुई। तो उसके बाद 15 से 20 मिनट हम लोग एक दूसरे से भिड़ते रहे। उसने मेरी उंगली मुँह में डाली, तब भी मैंने उससे अपनी मूवमेंट उसके साथ छोड़ा नहीं। उसके साथ कि मैं अपने हाथ पैर छोड़ दूँ या मैं मूवमेंट का छोड़ दूँ, मैं उससे भिड़ते रहा। तो लास्ट में वो फिर बैग हो गए। इससे पहले बहुत लोगों को घायल कर चुका है। एक तो लॉकडाउन का समय है, लोग घर में बैठे हैं, खेतों में और तक काम कर रहे हैं, ऐसे नाले गदेरे से निकल रहा है, वो कभी भी किसी पर अटैक कर सकता है। वो तो मेरा जैसा आदमी वहाँ पर उससे भिड़ गया। जैसा जैसा आदमी अगर कमजोर दिख रहा होगा तो ऐसे मर जाएगा वो। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।